हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। डिजिटल लर्निंग लाइब्रेरी के इस मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक बने रहें क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलोवेरा के यूज़ के बारे में, कि एलोवेरा का किस बीमारी में किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसके यूज़ की विधि क्या होती है। तो फिर देर किस बात की, आइए बिना देर किए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। दोस्तों, एलोवेरा खांसी जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आप खांसी जुकाम से काफ़ी परेशान हैं तो एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं और ये काफ़ी असरदार होता है इसमें। और इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एलोवेरा के पौधे का जूस निकालना होगा, यानी कि उसके गूदेदार संरचना जो उसके पत्तों के अंदर होते हैं उसका जूस निकालना होगा। उसके बाद एलोवेरा के जूस में सेंधा नमक मिलाकर राख बना लेना। राख बना लेने का कहने का मतलब है कि जूस को नमक के साथ मिक्स कर लेना अच्छे से, जब तक कि वो एक ड्राई सॉल्यूशन ना बन जाए। तथा इस मिश्रण को सुबह और शाम 5-5 ग्राम मुनक्का के साथ सेवन करें, जिससे आपको सर्दी और जुकाम में, यानी कि हर तरह के सर्दी और जुकाम में जल्दी ही आराम मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही एलोवेरा सिर दर्द में काफ़ी फायदेमंद होता है। किसी तरह के स्ट्रेस से सिर दर्द हो रहा है, किसी और वजह से सिर दर्द हो रहा हो, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर का ऐसा मानना है कि एलोवेरा का उपयोग हर तरह के सिर दर्द के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको एलोवेरा का जेल ले लेना होगा। इसमें थोड़ी सी मात्रा में दारू हल्दी का चूर्ण मिलाना होगा। इस मिश्रण को गर्म करके, हल्का गर्म करके, जो सहनीय हो और पीड़ा वाली जगह पे, यानी कि सिर के किस भाग में दर्द हो रहा है उस पीड़ा वाली जगह पे आपको लगाना चाहिए। इससे दर्द में, सर दर्द में जल्द ही आराम मिलता है। दोस्तों, एलोवेरा कब्ज़ में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। कब्ज़ से छुटकारा पाने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। एलोवेरा का जेल निकालकर पीने से, यानी कि एलोवेरा जूस पीने से कब्ज़ से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इन सब के साथ ही एलोवेरा आंखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो एलोवेरा के गूदे को निकाल कर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इस मिश्रण को गर्म करें, और इसके बाद जब टेम्परेचर सहनीय हो जाए तो इसे आंखों पर लेप लगाकर एक साफ़ कपड़े से हल्का बांध लें। यह विधि आपके आंखों पर होने वाली लालिमा या आंखों में होने वाली सूजन को कम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द ही मिलते हैं एलोवेरा के एक नए वीडियो में। उसके कुछ और बीमारियों में किस तरह से उपयोग किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।